एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सेशन। तो आज के इस हिस्ट्री के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है और शुरू हो चुकी है हमारी प्रीवियस ईयर 10 ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल तरीके से आपके साथ देखेंगे। एंड अगेन एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज क्वाइट सिंपल। अब एग्जामिनेशन के एक महीने पहले व्हेन एक्चुअली द काउंटडाउन इज ऑन, सो ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज व्हिच यू आर मे बी नॉट श्योर अबाउट, ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपने शायद स्किप कर दिया होगा पढ़ते समय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट मार्कर्स ऑफ योर प्रोग्रेस। अगर आपको कोई भी ट्रेंड्स एनालिसिस करना है, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द मेन की फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट। तो फटाफट से सेशन ज्वाइन कर लीजिए। और आज के सेशन में यूजीसी ने 2018 का दिसंबर का थर्ड पार्ट करेंगे। पहला दो पार्ट आप अश्विनी सर के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, सो विथ मी यू आर गोइंग टू डू पार्ट 3 एंड पार्ट 4 यूजीसी ने 2018 दिसंबर। फिर नेक्स्ट वीक हम यूजीसी ने 2018 जून करेंगे। एंड फाइनली उसके बाद वंस द डेट्स आर आउट, फिर हम सेशन में धमाल मचाएंगे और काफी इंटरेस्टिंग सेशंस जो है वो करेंगे। तो फटाफट से ज्वाइन इन एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो बल्लू गुड आफ्टरनून, अच्छा मौसमी, आप मौसमी से मो हो गई हैं। ओके मौसमी गुड आफ्टरनून, संचिता हेलो, मीनाक्षी साव हेलो एंड वेलकम, हदसी गुड आफ्टरनून, पद्मिनी गुड आफ्टरनून, जिमिन गुड आफ्टरनून, रिति हेलो एंड वेलकम, गुड आफ्टरनून। So everyone, firstly, before we start the session, कैसा चल रहा है सब कुछ? अल्पना गुड आफ्टरनून, देन वर्षा गुड आफ्टरनून, पद्मिनी, संचिता, अल्पना वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो बिफोर वी स्टार्ट, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग एवरीवन, एंड इज देयर एनी प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग राइट नाउ अदर देन द फैक्ट कि आप भूल रहे हैं, जिसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको कॉन्स्टेंटली रिविजन करना पड़ेगा। अदर देन दैट आई होप द प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन रियली रियली स्मूथ। सो आर यू रेडी टू रॉक द पेपर एंड आर यू रेडी टू क्लियर जीआरएफ दिस टाइम? सो विद अ येस, विद दैट पॉजिटिव नोट हम शुरू करेंगे आज का सेशन। तो जब तक सारे लोगों का येस नहीं आएगा, तब तक ये सेशन आज आगे नहीं बढ़ेगा। सो आई होप दैट स्पार्क इज देयर, एंड प्लीज मेक श्योर कि अगर मॉक्स जब भी आप कर रहे हैं तो मॉक्स में थोड़ी बहुत चीजें थोड़ा एनालाइज जरूर कर लीजिएगा कि कौन से एरियाज गलत हो रहे हैं। अगर मॉक्स में एक ही पर्टिकुलर एरिया है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, सो प्लीज वर्क ऑन दोज एरियाज। ओके, प्लीज आइडेंटिफाई वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। ऑल्सो जब आप मॉक देंगे तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट जरूर करिएगा फॉर पेपर वन एंड पेपर टू, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज टाइम। बहुत लोग पेपर वन में बहुत टाइम लगा देते हैं, पेपर टू के लिए टाइम कम हो जाता है, या बहुत लोग पेपर टू करते हैं, पेपर वन के लिए टाइम कम हो जाता है, सो यू स्टार्ट रशिंग। सो दिस टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू प्रैक्टिस हियर बिफोर द एग्जामिनेशन। बहुत सारा मॉक दीजिए, क्योंकि ऐसे भी पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है। सो इन दिस ऑनलाइन पेपर यू हैव टू गिव सो मेनी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कि आप एकदम अकस्टम्ड हैं विद द वे द सिस्टम इज वर्किंग, विद द वे आप आगे पीछे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, सो दैट डे देयर इज नो पैनिक एंड देयर इज नो एंग्जाइटी। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन एवरीवन, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं बने हैं, दिस इज आर टेलीग्राम ग्रुप यूजीसी नेट हिस्ट्री शुभांगिनी एंड अश्विनी, फटाफट से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और हिस्ट्री लवर्स के फैमिली में शामिल हो जाइए। ये एक ऐसी ग्रुप है जहां पे हम सारे लोग एक साथ कनेक्टेड है, एंड इस ग्रुप का फायदा ये है कि जितने भी पेपर वन एंड पेपर टू के जो हमारे फ्री सेशंस होते हैं हर समय जो 11 AM और 3 PM में होते हैं, वी कीप ऑन सेंडिंग यू दोज लिंक्स ऑफ दोज फ्री सेशंस ऑल द टाइम। तो कभी एक बार मिस हो गया हो तो हम दिन में 3 से 4 बार लिंक शेयर करते हैं, सो दैट किसी का भी वो लिंक जो है वो क्लास जो है वो मिस ना हो। सो एवरी टाइम वी गेट यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो फटाफट से पेपर वन प्लस पेपर टू के जितने भी सेशंस हैं उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर जो आज हमारे को पहली बार यूजीसी नेट में देख रहे हैं and who has come for this session for the very very first time, फटाफट से UGC Net Byju's Exam Prep का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेम थिंग अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल सेशंस, जितने भी हमारे जनरल सेशंस होते हैं, प्लस देर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज कमिंग अप इन Byju's Exam Prep। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको सारी चीजों के बारे में नोटिफिकेशंस जो है वो मिलता रहेगा। सो व्हेन यू हैव सच ग्रेट अपॉर्चुनिटी व्हाई मिस देम? तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद आ जाइए हमारे ऐप सेशंस में। तो हम आपसे मिलते हैं दिन में 2 बार ऐप सेशन सुबह के 11 बजे, जो सबको पता है, जो नए लोग हैं आपको ये मैं बता रही हूँ। तो वी मीट यू ऑल द टाइम मंडेज, ट्यूजडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडे। एंड YouTube सेशंस हमारे होते हैं ट्यूजडेज, वेडनेसडेज, थर्सडे एंड फ्राइडे 3 बजे। सो 11 बजे, 3 बजे राइट नाउ वी ऑलवेज मीट यू। एंड फिलहाल काफी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है YouTube सेशंस में। हम कर रहे हैं पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स बैक टू बैक, सो दैट जो लोग अभी तक क्वेश्चन पेपर्स नहीं किए आप हमारे साथ खत्म कर लीजिए। और ऐप सेशंस में हम टॉपिक वाइज रैपिड रिविजन कर रहे हैं हिस्ट्री का। सो बोथ दी सेशंस वी आर होल्डिंग ऑन डिफरेंट डायनामिक्स, जहां पे हम एक जगह प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, एक जगह एक्सपेक्टेड करा रहे हैं। सो दोनों जगह से आपका प्रैक्टिस जो है ये होते रहेगा। तो फटाफट से ज्वाइन इन कर लीजिए और अब शुरू करते हैं पार्ट 3 ऑफ UGC NET 2018 दिसंबर क्वेश्चन पेपर।
तो चलिए आज चलते हैं आगे एंड लेट्स सी. एंड दिस क्वेश्चन पेपर अगेन लेट्स सी, लेट्स गोइंग टू बी गोइंग टू एनालाइज द ट्रेंड्स आल्सो, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेंड पकड़ना है कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके के बेसिकली आ रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से एंड हियर वी गो. सो ये हमारे रेवेन्यू टर्म्स हैं और ये हमारे मॉडर्न कनोटेशन है. इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिवल इंडिया स्पेसिफिकली, यहाँ पे यू विल सी ऑलवेज देयर इज रेवेन्यू टर्म. रेवेन्यू जो लैंड एरियाज हो गए, जो लैंड रेवेन्यू हो गए, जो टैक्सेस हो गए, जो बुक्स हो गए, इनसे हमेशा क्वेश्चन आप देखोगे मिडिवल इंडिया के सेक्शन में बनते हैं. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रेवेन्यू टर्म्स एंड इनका मतलब क्या है. सो वी हैव अकाल, cultivated and uncultivated land, then we have bandunabu, then stipends distinct from tax free lands, ek hai idrarat and ek hai imlak. Ek ka matlab hota hai barren land, ek ka matlab hai tax free lands jo ki grant ke taur pe raja ke dwara di jati thi. So which of the following here is absolutely correct? Aapko ye one liner questions generally frame ho sakte hain. Sometimes they will ask you ye terms kis important ruler ke time period se associated hain. Sometimes as I told you वो आपको tax structures भी पूछ सकते हैं. So there are specially जब आप मुगल्स करते हैं, जब भी आप मुगल empire करते हैं, तो even during the मुगल time period आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है. And also जब आप दिल्ली सल्तनत करते हैं, तो वहां पे भी you will see agrarian area से questions बहुत बनते हैं, अगर आप previous years देखते हो. In fact most of the examinations में तो specially what is happening during the time of Tughlaqs, what are the rulers specifically doing, किसने कहाँ पे stream बनाई है, किसने कहाँ पे irrigation जो है ये शुरुआत की, ये सब questions को थोड़ा पकड़ के रखना है, क्योंकि ये हमेशा पेपर में आ रहे हैं. सो लेट्स सी एवरीवन, 30 सेकंड्स एंड हियर वी गो. सो वी हैव अखल, वी हैव बदोनबद, वी हैव इदरादत एंड वी हैव इमलक. सो बंजर भूमि राजा द्वारा अनुदान से बेसिकली अधिग्रहित कर भुक्त भूमि, फिर एक हमारा है कर भुक्त भूमि से अलग, और एक है खेती की और बिना खेती की हुई भूमि. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट, इसको आपको मैच करना है विद द करेक्ट मीनिंग. So most of you are correct here. Okay, so without any time wastage, क्योंकि आपका time बहुत crucial है, let's come to the right answer. अब जिनका ये गलत हुआ है तो प्लीज पहले तो ये टर्म्स याद कर लीजिएगा, दूसरा अब जब आप रिविजन करेंगे तो इन एरियाज पे ध्यान दीजिएगा. एब्सोल्यूटली करेक्ट, करेक्ट आंसर हियर इज सी, विच मोस्ट ऑफ यू हैव सेड इट. सो वी हैव अकलाल, इट मीन्स बैरन लैंड. बुदो नाबुद, ये कल्टिवेटेड और अनकल्टिवेटेड लैंड है. देन वी हैव इंद्ररात, ये स्टाइपेंड्स है विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम टैक्स फ्री लैंड. एंड एक हमारा इमलाक है, ये टैक्स फ्री लैंड है जो कि ग्रांट की तरह हेल्प किया जाता था, राजा द्वारा दी गई. सो एब्सोल्युटली करेक्ट एनालिसिस ये करना है कि ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी. तो जिन्होंने अभी तक ये छोड़ रखा है, प्लीज डू दिस रियली वेल. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू, देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्परर शाहजहां एंड गुरु हरगोबिंद ओवर द हंटिंग इशू विच लेड टू सीरीज ऑफ मिलिट्री क्लैशेस. जो सिख फोर्सेज हैं, इट वॉज लेड बाय अ पठान, और इनका नाम क्या है, जो उस टाइम पीरियड में ये जब मिलिट्री क्लैश हो रहा था तो यहाँ पे सिख फोर्सेस को लीड कर रहे थे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट, हम बात कर रहे हैं फिदाई खान की, हम बात कर रहे हैं पेंदा खान की, हम बात कर रहे हैं मरहत खान की, या हम बात कर रहे हैं शाइस्ता खान की. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बोला है, थोड़ा आपको यहाँ पे पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो हैं ये थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा, कौन से किसके कमांडर्स हैं, क्योंकि अगर आप बहुत बार पेपर देखोगे ये क्वेश्चंस आते हैं. एंड वन मोर थिंग, जो राजा बनते उसके पहले वो क्या कर रहे थे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. एंड मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे इट्स सी, इट्स बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट पेंदा खान. और ये थे कौन, क्या स्टोरी है ये, तो आप देखोगे गुरबिलास पदशाही में स्पेशली मेंशनड है कि ये जो बेसिकली आप देखोगे, ये जिस हम पेंदा खान की बात करते हैं, ये संत है फतेह खान की. एंड आप देखोगे इनके पेरेंट्स की काफी जल्दी डेथ हो जाती है और इनको पाल पोस के बड़ा करते हैं इनके अंकल जो है, जिनका नाम होता है इस्माइल खान. अब स्टोरी ये है जो गिरबिलास पदशाही में लिखी हुई कि इस्माइल खान प्लस पेंदा खान प्लस और भी कुछ पठान जो है, ये सिख संगत जो कि स्पेशली अमृतसर जा रही थी दिवाली के तौर पे, दिवाली के टाइम पे गुरु हरगोबिंद को देखने के लिए, ये उनके साथ जाते हैं. और जब ये एक्चुअली अमृतसर जाते हैं दिवाली के टाइम पीरियड में, और जब गुरु हरगोबिंद की इन पे नजर पड़ती है, तो उनका वो मैनली स्ट्रक्चर देखिए, उनका फिजिकल अपियरेंस देखिए, ही बिकम्स वेरी वेरी इंप्रेस. एंड देन वो उसको एक्चुअली एंगेज करते हैं, दैट यू नो यू कैन गेट ट्रेन्ड एंड फिर आप प्रॉपर मिलिट्री में एंगेज हो सकते हो. एंड दिस इज हाउ ये प्रॉपर मिलिट्री सेटअप में उस टाइम पीरियड में घुसते हैं. तो ये जिस पीछे की थोड़ी बैकग्राउंड की कहानी है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स एट अकबर्स कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड अगेन मिडिवल इंडिया के पेंटिंग्स आप देखोगे काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, 2021 में भी पेंटिंग्स के क्वेश्चन आए हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऑल द पेपर्स देयर इज वन क्वेश्चन ऑलवेज ऑन पेंटिंग.
ठीक है। सो अकबर के दरबार में कौन से चित्रकार हैं जो बेसिकली पालकी वाहक कहार के पुत्र है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा है, ऑलवेज टोल्ड यू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, किस पेंटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहाँ पे 3D इफेक्ट दिख रहा है, कहाँ पे यूरोपियन इफेक्ट दिख रहा है, कहाँ पे गोल्ड का ज्यादा यूज हो रहा है, ये सब चीजें आपको, कहाँ पे फोर साइटिंग टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, किसके टाइम पीरियड में, किसके टाइम पे पोर्ट्रेट पेंटिंग ज्यादा शुरू हुई, आई ऑलवेज टोल्ड यू ये सब एकदम क्लैरिटी के साथ बहुत अच्छी तरीके से करना है। एंड पेंटिंग्स में जो रीजनल डायनेस्टीज हो गए, इनके पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। मोस्टली यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो पेंटिंग्स के नाम आ जाते हैं कि व्हाट आर द पेंटिंग स्पेसिफिकली जो इस टाइम पीरियड में बने, एंड सेम जो पेंटर्स है, तो ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन ऑलवेज कमिंग इन द पेपर। तो अगर आपको पता है कि ये मोस्टली ट्रेंडिंग है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, करेक्ट आंसर हियर इज ए, दासवंत, बिल्कुल सही है, कहार पालकी बेरर के जो बेटे होते हैं ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनको ट्रेन किसने किया था, तो अब्दुल समद ने इनको ट्रेन किया था। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन है, सो दसवंत का कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स में मेजरली कंट्रीब्यूशन है, सो रज्म नमे हो गया, फिर आपकी जो क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट है उसमें जो एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो बेसिकली आपके तूती नमे का जो कॉपी है, ये दोनों चीज में इनका बहुत ही मेजर योगदान जो है ये है। तो प्लीज इनके कुछ वर्क्स भी देख लीजिएगा, इन सारों के वर्क्स, एंड कौन से पेंटर्स किस रूलर के टाइम पे आए थे, डू दैट रियली वेल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, अगेन सी सेम ईयर में यू हैव टू बैक टू बैक क्वेश्चंस ऑन पेंटिंग्स। द डोमिनेंट थीम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग आर, तो इस स्कूल ऑफ पेंटिंग की डोमिनेंट थीम क्या है, कृष्णा राधा, देन वी हैव नाइट का भेद, देन वी हैव शिव पार्वती या संयोग विभोग, तो इनमें से कौन सी आपके थीम्स हैं ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। एंड इन फैक्ट दिस इज वन एरिया जहां से आप देखोगे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, सो ऑल दोस पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑल्सो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, सो देर इज वन क्वेश्चन स्ट्रेट। इनफैक्ट एक बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, दे गेव यू द नेम ऑफ द पेंटिंग एंड दे सिंपली आस्क्ड यू कि भाई ये किस स्कूल ने बना रखा है, तो ये काफी कॉमन से क्वेश्चन है जो एरिया यूपीएससी में भी बार बार आता है। तो इफ यू डू पेंटिंग, डू इट रियली वेल, सो दैट अगर आप कोई और एग्जामिनेशन के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छी तरीके से हो गया। एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट आंसर हियर इज ए, 1, 2, 3 and 4, बट जनरली इट इज वन ऑफ द पहाड़ी स्कूल जो आप सबको पता है, तो गुल्लर हो गया, कुल्लू हो गया, चंबी हो गई, चंबा हो गया, मंडी हो गई, सो दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग जो स्पेशली आप देखोगे पहाड़ी स्कूल्स के सब पार्ट्स हैं। और दूसरा इनकी खासियत क्या है इस पेंटिंग की, तो आप देखोगे स्पेशली इरोटिक सेंटिमेंट्स हैं, वैष्णवाइट ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आप देखोगे कि मोस्टली इनके पेंटिंग्स में एक पोएम, एक लिरिकल कॉम्पोजिशन जो ये देखने को मिलता है, देन यू विल सी बेसिकली बहुत ही डेलिकेसी से फिगर्स बनाते हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे अगर वुमेन है, तो उनके फेशियल फिगर्स पे आप देखोगे, उनके फेशियल फीचर्स पे काफी ज्यादा मेहनत की हुई है, बहुत माइन्यूट आप देखोगे फेशियल एक्सप्रेशंस को भी दिखाने की कोशिश की गई है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट आप देखोगे रागमाला हो गया, गीत गोविंदा हो गया, भागवत पुराण हो गया, कुछ इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ऑफ द स्कूल। तो इसको प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली पेपर में बार बार आ रहा है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बैक टू बैक क्वेश्चन सेम थीम्स है। So we have Abdul Samad, we have Abul Hussain, we have Muhammad, we have Ustad Mansoor. So we have Zarin Kalam, we have Nadirul Asar, we have Shireen Kalam Hussain of Kashmir and Nadirul Zaman. So kaun se artist hai aur kisko kaun sa title mila hai? So back to back in the year 2018, 3 question aapke paintings ke nikal chuke hain. Isme waise maan lo agar aapko sabka nahi pata hai, to at least 3 yahan pe bahut common hai jo aapko generally pata hona chahiye. So if you have read painting, 6 number aapke straight away is paper se back to back jo hai ye uth jayenge. See, you have to catch on the trends, क्योंकि आंसर आप सबको पता है, आप सबने ये क्वेश्चन पहले भी किया होगा इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, एंड आई अज्यूम कि आपने किया होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के करने के बाद ही आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पढ़ेंगे। एक बार आपका आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन से क्या आ चुका है, किस एरिया से क्या आ चुका है, सो प्लीज ट्रेंड्स एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा एंड पेंटिंग्स को पढ़ के जाइएगा। सो एब्सोल्युटली करेक्ट, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट आंसर हियर इज डी। जिनका गलत हो रहा है ये याद कर लीजिएगा, कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इनफैक्ट 2021 में बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, सेम नहीं आएगा, बट अगर वन लाइनर क्वेश्चन आ गया, कोई कॉम्प्रिहेंशन आ गया, तो आपको ऑलरेडी पता है कि किसका टाइटल क्या है, तो आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये चारों के जो नाम है ये प्लीज लर्न कर लीजिएगा। तो अब्दुल समाद, इनको टाइटल मिला था शीरीन कलाम का, अब्दुल हसन, इनको टाइटल मिला था नदीरुज़मान का, मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर रिसीव द टाइटल ऑफ ज़रीन कलाम, एंड उस्ताद मंसूर नदीरुल असर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6,
which is the last example of the use of Tughlaq butter, which is called sloping buttress. So, इनमें से सबसे लास्ट एग्जाम्पल क्या है ऑफ द यूज ऑफ तुगलक बटर? हसन खान's tomb, इसा खान's tomb, देन वी हैव अदम खान's tomb या शेरशाह's mausoleum. So, which of the following here is correct? अब इसमें देखो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज दिस तुगलक का बेसिकली, जो आप ये कहते हो तुगलक का जो बटर कहते हो, होता क्या है स्लोपिंग बटरस, होता क्या है, क्यों यूज करते हैं इसको आर्किटेक्चर में जनरली अगर आपने तुगलक्स पढ़ा है? सो व्हाई वर तुगलक्स यूजिंग दिस स्पेसिफिकली, है क्या ये? एब्सोल्युटली करेक्ट. वैसे तो सारे लोग इसके आंसर में सही हैं, ईसा खान स्टूम. एंड इसका व्हाट वाज द यूज हियर, सो यू विल सी बाय द टाइम तुगलक्स तक हम पहुंचते हैं, यू विल सी दिल्ली सल्तनत का जो बेस है, दैट बेस ऑलरेडी स्टार्ट्स क्रैकिंग अप. एंड इनफैक्ट अगर किसी इंपॉर्टेंट आपको डायनेस्टी के बारे में ये देखना है ना कि वो डायनेस्टी कितनी फ्लरिश कर रही थी, कितनी प्रॉस्परस है, तो दो मेजर ऐसी चीजें जो स्ट्रेट अवे आपको उनकी डायनेस्टीज के बारे में बता देंगे. एक स्पेशली होता है आपका आर्किटेक्चर, उस समय की बिल्डिंग्स कैसे थे, दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स जो आपको स्पेशली उस पीरियड के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया दे देंगे. एंड हियर यू विल सी सेम हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तुगलक्स ऑल्सो. स्टार्टिंग ऑफ द तुगलक डायनेस्टी आप देखोगे इनके काफी शाही जो टूम्स हैं ये बन रहे थे. बाय द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुंचोगे, यू विल सी देयर इज अ टोटल कॉन्ट्रास्ट इन द वे द बिल्डिंग्स आर मेड, द टूम्स आर मेड. आप देखोगे यहाँ पे सिंपल आपके टूम्स हैं एंड आप देखोगे ज्यादा डेकोरेशन नहीं है, जो स्टोन्स भी वो यूज करते थे दे वर मोस्टली ऑफ चीप क्वालिटी. उनका फोकस ये था कि देखो हमें डेकोरेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत का क्रैक जो है वो होना शुरू हो गया था, फाउंडेशन टूटने लगी थी, पैसे उस समय थे नहीं, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हो चुके थे. सो उनका बेसिकली मेजर फोकस था कि भाई ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है ये मजबूत होना चाहिए. डेकोरेशन एंड ऑल, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत फ्लरिशिंग इकोनॉमी में हो, तो चलो आपने डेकोरेशन करा दिया. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द तुगलक बिल्डिंग्स यू विल सी देयर इज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट इन द वे आप स्टार्टिंग ग्यासुद्दीन के देखोगे और आप इधर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में देखोगे. ग्रे सैंडस्टोन, सिंपल व्हाइट, आप देखोगे डेकोरेशन नहीं हो सकता क्योंकि जिस तरीके का वो स्टोन यूज करते हैं उसमें निकाशी होना बहुत मुश्किल है. तो उनका बेसिकली फोकस था कि भाई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर गिरना नहीं चाहिए, डेकोरेशन ठीक है बाद की बात है. So this is where they actually use this butter, which basically helped them in strengthening the foundation of their entire building. Absolutely correct. And Isa Khan ke tomb mein aapko exactly yahi use jo hai, ye dekhne ko milega. And moving to next question, question number 7. Assertion and reasoning. अब ये assertion reasoning थोड़ी tricky है, क्योंकि आपको exactly पता होना चाहिए कि भाई किस traveler ने क्या बोला है. Assertion में ये बोला है कि भाई ये जो मनुची हैं, on arriving on arrival for embarking at Surat, you find plenty of money, for it is the principal trade of the nobles of India to place their money on speculation for Firangis, countries, France, England, and even for Italy. Reason, although the trade by the nobles was only a fraction of the total trade in the country, it did imply diverting a part of resources siphoned off from agriculture into domestic and foreign trade. Which of the following statements here are correct and incorrect? अब यहाँ पे आपको exactly पता होना चाहिए कि भाई किस traveller ने exactly क्या बोला है, वरना यहाँ पे फिर ये assertion reasoning थोड़ा जो है ये मुश्किल हो जाएगा. So let us see this and let's see who answers this correctly. So मनोची said, सूरत में प्रत्यारोहण करने के लिए आने पर आपको खूब पैसा मिलता है, इसके लिए भारत की रईसों का प्रमुख व्यापार है, ताकि वे फिरंगी के देश फ्रांस, इंग्लैंड और यहां तक कि इटली के लिए अटकलों पर अपना पैसा लगा सके. हालांकि रईसों द्वारा किए गए व्यापार देश के कुल व्यापार का मात्र एक छोटा सा अंश है, लेकिन इसने कृषि से घरेलू और विदेशी व्यापार में छीने गए संसाधनों का एक हिस्सा मोड़ दिया. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट? ओके डी, ठीक है. एंड वाई इज डी करेक्ट? करेक्ट आंसर सही है, करेक्ट आंसर डी है. व्हाई इज दिस करेक्ट? सबसे पहले ये याद रखिएगा कि दिस टेक्निकली, ये जो अगर पहला आप लाइन पढ़ोगे तो इस पहले लाइन में स्ट्रेट अवे बोला जा रहा है कि भाई बहुत ब्रिस्क ट्रेडिंग होती थी, बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती थी इस टाइम पीरियड, मुगल पीरियड को स्पेशली ये डिस्क्राइब कर रहे हैं. बट अगर आप देखोगे तो मनुची के अकाउंट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है. सेम अगर आप ट्रेवेनियर का भी अकाउंट इस टाइम पीरियड में देखोगे तो यू विल सी देयर इज नो सच डिस्क्रिप्शन जो कि दिया हुआ है. जो रीजन है ये बिल्कुल सही है, ये स्पेशली जो रीजन है आप देखोगे सतीश चंद्रा ने इस रीजन को स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है. ये कहते हैं कि भाई इस टाइम पीरियड में यस, जो भी प्रॉफिट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर होते थे ये थोड़ा थोड़ा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के लिए डाइवर्ट किया जाता था. द सेम लाइन हैज बीन रिटन इन सतीश चंद्रा,
प्लस आप देखोगे तपन राय चौधरी भी अपने वर्क में ऐसा ही कुछ आर्ग्यूमेंट जो है वो देते हैं, विच मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये जो ब्रिस्क ट्रेड की बात कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड में मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स ने ऐसा कुछ जो है ये डिस्क्रिप्शन जो है ये नहीं दिया था। सो बेसिकली हमारा असर्शन जो है ये गलत है और रीजन जो है ये ट्रू है। तो ये सब जो ट्रैवलर्स अकाउंट है ये पेपर में हमेशा आ रहे हैं, डायरेक्टली आ जाए, असर्शन रीजनिंग में आ जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, कॉम्प्रिहेंशन आ जाए, इट इज ऑलवेज कमिंग। तो ये भी ऐसी पार्ट है जिसको आपको मास्टर करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर आर ऑलवेज कमिंग। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन वैसे काफी इजी है। सो वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट अलीवल खान जो है, ये इनमें से किस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट हैं? मसूलियम ऑफ हसन खासूर, और इस शेरशाह का मसूलियम, और बेसिकली हमारे जो अदम खान है इनका मकबरा, या हिमायूं स्तूप? सो दिस इज एक्चुअली वेरी इजी। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप शेरशाह का पीरियड पढ़ते हैं तो यू रीड अबाउट द आर्किटेक्चर, और इनका नाम आप हमेशा पढ़ते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप इनके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हो, एंड ये इनके आर्किटेक्ट ने मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स उनके टाइम पीरियड में जो है ये स्पेसिफिकली बनाई है। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये तो चलो इजी है। यस सुनेहा, वी थिंक जो पहले बेसिकली आ चुके हैं आपके जो फिलहाल जो टेंटेटिव डेट्स हैं, इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यस बाय सेकेंड वीक यू माइट फिनिश योर एग्जामिनेशन। तो आप तो जून का ही टारगेट लेके चलो ना फर्स्ट वीक, आपको क्यों सेकेंड वीक तक वेट भी करना है? बट यस, बाय दैट टाइम देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट एग्जामिनेशन विल हैपन। ओके ओके, यू डोंट सी, डोंट एक्सपेक्ट जुलाई, आप सीधा सीधा जून का टारगेट लेके चलो कि भाई फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन है। अगर एग्जामिनेशन थोड़ा पीछे जाता है तो दैट इज वन थिंग, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग एंड यू आर रेडी टू गिव द एग्जामिनेशन। प्लस व्हाई डू यू वांट द एग्जामिनेशन टू यू नो, क्यों चाहते हैं आप टल जाए? वो अच्छा तो है कि आप पढ़िए, गिव योर एवरीथिंग एंड फिनिश द एग्जामिनेशन। कब तक आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है? सो आई थिंक यू शुड प्रे दैट एग्जामिनेशन हैपेंस एंड यू गिव द एग्जामिनेशन एंड देन यू क्लियर इट वेल। सो टेक द टारगेट एज जून, वो आप उस चक्कर में मत पढ़ो कि एग्जामिनेशन पीछे होगा नहीं होगा, वो अगर होगा तो वो बात की बात है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वो दिख जाएगा। बट राइट नाउ यू डोंट वेस्ट योर टाइम, बट येस देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी विद द टेंटेटिव डेट दैट सेकंड वीक तक हो जाना चाहिए। वैसे हियर मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट हियर। प्लीज शेरशाह जब पढ़ते हैं तो तीन चार चीजें याद रखनी। पहली बात तो शेरशाह के टाइम पीरियड में क्या रिफॉर्म्स हुए थे, यू ऑल नो दैट ऑल द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स ही डस राइज पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने जो रोड्स कंस्ट्रक्ट की उस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा, इनके टाइम पीरियड में जो लैंड रिफॉर्म्स होगा इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन से लैंड रिफॉर्म कंटिन्यू होते हैं, उनके बाद किसमें चेंजेस होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। थर्ड, इनके आर्किटेक्चर पे जब भी पढ़िएगा तो इनका नाम तो वैसे हमेशा ही आता है, बट जनरली सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स डू दैट रियली रियली वेल। शेरशाह से मोस्टली आप देखोगे एक क्वेश्चन पेपर में निकल जाता है, और अगर आएगा तो इट्स ईजियर, क्योंकि आप आराम से स्कोर कर लोगे। Question number 9. When Charans from a chieftain of Rajasthan represented to a Mughal emperor and complained about atrocities perpetrated on them by their Raja, the emperor evaded their complaint by saying that he is a Mota Raja. Identify the Raja, his chieftain and the Mughal emperor who called him Mota Raja from the following. So, हम बात कर रहे हैं राजा उदय सिंह ऑफ जोधपुर की या अकबर की? हम बात कर रहे हैं मिर्जा राजा जय सिंह की ऑफ अंबर, या हम बात कर रहे हैं जहांगीर की? हम बात कर रहे हैं राजा राय सिंह ऑफ बीकानेर की या अकबर की? हम बात कर रहे हैं राणा राज सिंह ऑफ मेवार या एम्परर औरंगजेब की? तो जब राजस्थान के प्रमुख दल के चरणों ने मुगल एम्परर, मुगल सम्राट से मुलाकात की और उनके राजा द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों के बारे में शिकायत की, तो सम्राट ने यह कहते हुए शिकायत खारिज कर दिया कि अरे वो तो मोटा राजा है। तो इनमें से जो मोटा राजा है वो कौन है? और अकबर ने उनको राजा का टाइटल कब दिया था जनरली एवरीबडी? Absolutely. चलो ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट आंसर हियर इज ए, राजा उदय सिंह ऑफ मारवाड़ एंड बेसिकली और अकबर। एंड इनको याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, इनका रूलिंग पीरियड क्या है? 1538 टू 1595। एंड इनको स्पेशली राजा ऑफ मारवाड़ अकबर द्वारा टाइटल कब मिला गया था? 1583। ठीक है,
तो विच इंक्लूड्स जो भी अकबर के राजपूत पॉलिसीज हैं, जो भी इंटीग्रेशन है, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये टेक्निकली बहुत बार पेपर में अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है। दिस इज वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच यू हैव डन मेनी टाइम्स इन डिफरेंट वेज। इन मिडिवल इंडिया देर वर क्रॉस कल्चरल इंटरक्शन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ। मुगल रूलर्स देर नोबिलिटी यूज टू इंटरक्ट विद जब्द गुसैन अ ब्राह्मण एसेटिक एंड एक्सपोनेंट ऑफ वैदिक थॉट। दे वर इम्प्रेस्ड विद हिज नॉलेज ऑफ वेदांता विच वॉज कंसिडर्ड सिमिलर टू सूफिज्म। हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन टू हैव मेट जागरूक दिसन। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये पैराग्राफ नहीं भी रहता तो फ्रैंकली आपको बस इतना ही पढ़ना है कि इनमें से कौन है जो बेसिकली इनसे मिले। तो दिस एंटायर पैराग्राफ इज जस्ट टू पुट सम प्रेशर ऑन यू, कि बहुत लोग ये पूरा क्वेश्चन को बिना पढ़े ही आप समझ लो कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा यार इतना बड़ा क्या लिखा है। सो देर आर प्रीवियस क्वेश्चन इन विच आई हैव शोन यू, अगर ये ऊपर का पैराग्राफ नहीं भी देते तो फ्रैंकली इस लाइन से आपका आंसर निकल गया होता। सो दिस इज जस्ट हियर टू पुट सम प्रेशर टू कंफ्यूज यू। तो ये सब जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है, सीधा सीधा की वर्ड तक पहुंचना है, क्वेश्चन को ठीक से समझना है एंड स्मार्टली आंसर करना है, बिकॉज मेनी ऑफ यू स्टार्ट पैनिकिंग जैसे आप मिडिवल में बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हो। यू हैव टू मेक श्योर कि किसी भी एंगल से आपको यहाँ पे की वर्ड बेसिकली निकालना, और यहाँ तो साफ साफ क्वेश्चन नीचे ही लिखा हुआ है। सो अकबर जहांगीर मिर्जा अजीज कोका जहांगीर शाहजहां अब्दुल रहीम खाने खानम देन अकबर प्रिंस खुसरो प्रिंस खुर्रम एंड शाहजहां राजा बित्तलदास सूरत सिंह राठौड़। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो चुका है। एक बार आपको सिंपल से यही क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन है जो बेसिकली इनके फिलोसफी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। दिस वॉज दिस वन लाइन क्वेश्चन ऑल्सो विच वी डिड इन वन ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन में। That is one way of giving respect that you are an elder. तो वो बेसिकली टैग होता है कि भाई वो एल्डर है, इट्स वन वे ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट। यस एब्सोल्यूटली। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ये भी क्वेश्चन वैसे काफी बार है जो रिपीट हो चुका है पेपर में, कि भाई औरंगजेब के बाद जो इनके सक्सेसर्स आते हैं कौन कब आया है, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वी हैव बहादुर शाह फर्स्ट, वी हैव फरूख सियार, वी हैव रफी उद्रजत एंड वी हैव जहंदर शाह। तो इनमें से कौन कब रूल कर रहा था, ये वैसे आपको पता होना चाहिए। तो जिन्होंने ये क्रोनोलॉजी छोड़ी है, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, इनफैक्ट बहुत एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है। ओके, बिकॉज औरंगजेब के सक्सेसर्स आर वेरी कॉमन एरियाज जहां से क्वेश्चन ड्रॉ होते हैं। एंड अगर आप इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो 18th सेंचुरी जो एंटायर डिबेट है कि कंटिन्यूटी है या चेंज है, डार्क एज है या नहीं है, तो ये पूरा डिबेट पे जितने जितने प्रोपोनेंट्स हैं इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। वन ऑफ द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू, स्पेशली अगर मॉडर्न का वर्कलोड है। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर हियर इज सी। तो प्लीज याद रखिएगा बहादुर शाह, ओके यू ऑल नो दैट 1707 टू 1712 वेरी इंपॉर्टेंट, देन जहांदर शाह 1712 टू 13, ये थोड़ा प्लीज याद रख लीजिएगा, तो एक्रोनिम बना लीजिए। देन फरूख शियार 1713 टू 1719 एंड फिर एंड में ये, या तो एक्रोनिम बना लीजिए एंड ऑल्सो इन वन लाइनर किसको कौन सा टाइटल मिला है एंड कौन रंगीला मिजाज का था, किसको रंगीला का टाइटल मिला है, किसने अपने टाइम पीरियड में इजारा सिस्टम जो है ये इंप्लीमेंट किया था, तो ये सब थोड़ा बहुत वन वन लाइनर स्पेशलिटी अबाउट ईच रूलर जरूर देख लीजिएगा। ओके, नाउ वी कम टू कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। अब ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जरा फटाफट से पढ़ते हैं एंड लेट अस सी इसमें क्या पूछा है, और जो क्वेश्चंस हैं डू दे इवन मेक सेंस, आर दे इवन फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन, लेट्स रीड इट। दीज शिप्स प्लेइंग इन द अरेबियन सी आर रेच्ड अफेयर्स एंड मेनी ऑफ देम गेट लॉस्ट फॉर दे हैव नो आयरन फास्टनिंग्स एंड आर ओनली स्टिच टूगेदर विद ट्वाइन मेड फ्रॉम हस्क ऑफ द इंडियन नट। तो पहले आपको सीधे शिप्स के बारे में बता रहे हैं, शिप्स स्पेशली इन द अरेबियन सी, कि कैसे मोस्ट ऑफ दी शिप्स जो है ये यहाँ पे टेक्निकली खो जाते हैं एंड कैसे कोई आयरन की चीज नहीं है एंड फाइनली एक दूसरे के साथ ये कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं भाई जो हस्क हो गया, ट्वाइन हो गया, इसके साथ शिप्स कनेक्टेड है। दे बीट दिस हस्क अंटिल इट बिकम्स लाइक हॉर्स हेयर एंड फ्रॉम दैट दिस स्पाइन ट्वाइन एंड विद दिस स्टिच द प्लैंक्स ऑफ द शिप टुगेदर। इट कीप्स वेल, इट इज नॉट करोडेड विद द सी वाटर बट इट विल नॉट स्टैंड वेल इन द स्टॉर्म। तो ये बता रहे कि भाई जो ये तरीका यूज करते हैं, इस तरीके से चलो ठीक है ये शिप जो है ये करोड़ नहीं होगा, बट हाउएवर जब स्टॉर्म आएगा, जब आंधी तूफान आएगा, तो ये जो शिप है ये उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा। द शिप्स आर नॉट पिच्ड बट दे आर रब्ड विद फिश ऑयल, दे हैव मास्ट सेल एंड रडर, दे हैव नो डेक बट ओनली अ कवर स्प्रेड ओवर द कार्गो व्हेन लोडेड।
This cover consists of hides, and on the top of these hides, they put the horses which they take from Hormuz to India from sale. They have no iron to make nails of, and for this reason, they use only wooden tree nails in their shipbuilding, and then stitch the plank with the twine, as I have told you. Hence, it is a perilous business to go on a voyage in one of those ships, and many of them are lost, for in these seas of India, these storms are often terrible. तो भाई ये है हमारी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जहां पे इस जहाज के बारे में सीधा सीधा जिक्र है और स्टॉर्म्स के बारे में जिक्र है, कैसे जहाज बनती है और कैसे थोड़ी वीक है कि जब आंधी तूफान चलेगा तो जिस प्रोसेस से ये जहाज बनी हुई है, ये समुद्र के तूफान में एंड फाइनली इन द एंड इस टाइप के जहाज में अगर यात्रा करेंगे तो ये एक्चुअली खतरनाक है और कई लोग इसमें खो चुके हैं, कई जहाजें भी खो चुकी हैं एंड भारत के समुद्र में जिस तरीके का तूफान आता है, ये एक एक्चुअली भयानक एक्सपीरियंस है और एक भयानक रिस्क है जो लोग ले सकते हैं. तो पूरा का पूरा देयर इज दिस एंटायर समराइजेशन की कैसे कैसे यहाँ पे शिप्स बनते थे एंड पूरी की पूरी आपको डिटेल्स दी हुई है. नाउ लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. फर्स्ट, इन द इंडियन शिप इन जॉइनिंग प्लैंक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वाज यूज्ड. तो सबसे पहले भारतीय जहाजों में तख्त को जोड़ने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक जो है यूज की जाती है. वी हैव कार्वेलिंग टेक्निक, वी हैव क्लिंकर टेक्निक, वी हैव कॉल्किंग टेक्निक या रबर्ड और टंग एंड ग्रूव टेक्निक. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. राहुल, टेलीग्राम लिंक जो है यू जस्ट टाइप यूजीसी नेट हिस्ट्री शुभांगिनी अश्विनी. आप इतने ही टाइप करोगे आपको हमारा ग्रुप ऑटोमेटिकली सर्च ऑप्शन में दिख जाएगा. सो यू कैन स्ट्रेट अवे ज्वाइन द ग्रुप. See, now this passage is a little complicated. Yes, you're actually right. क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट अवे शिपिंग टेक्निक्स के बारे में बात की गई है एंड यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं, दे आर लिटिल बिट ट्विस्ट एंड टर्न. तो जहां पे अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा और थोड़ा थोड़ा आपको टर्मिनोलॉजीज के अगर मतलब नहीं पता है तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं. ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज रैबिटिंग और टंग एंड ग्रूव टेक्निक. तो ये देखिए, जो मार्को पोलो है, जो आपके वेनिशियन मर्चेंट थे, एडवेंचरर थे, ये बेसिकली आए थे एंड इनके ट्रैवल्स में, ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो में स्पेशली ये लिखी गई है कि भाई ये जो रेबिटिंग और टंग एंड ग्रूव टेक्निक है, ये इंडियन शिप्स में यूज की जाती थी जब हम लोग प्लैंक्स को जोड़ते थे. दूसरा, अकॉर्डिंग टू मार्को पोलो, इंडियन शिप्स हैड हाउ मेनी मास्ट. तो ये अगर आप देखोगे अभी हमारे कॉम्प्रिहेंशन में मास्ट के बारे में जिक्र है, तो उनके हिसाब से भारतीय जहाजों में कितने मस्तूल होते हैं, 1, 2, 3 या 5. There will be some comprehensions which are going to be very easy. There will be some comprehensions जो थोड़ा tricky होंगे और इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा smart रहना है. Absolutely correct. Correct answer here is A. That is one mast. Moving forward to question number 14, Marco Polo, while complaining that Indian ships had only a cover spread over the cargo when loaded, was complaining about the absence of which of the following. देखिए यहाँ पे ना आपको थोड़ा ना in between the lines जो है ये sentence को पढ़ना पड़ेगा. कि अगर Marco Polo शिकायत कर रहे हैं कि भाई भारतीय जहाजों में लोड करने पर माल पर केवल एक आवरण फैला हुआ है, तो इनमें से कौन सी एक चीज है जो नहीं है, जिसके बारे में वो कंप्लेन कर रहे हैं. डेक के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, और दे इज कंप्लेनिंग अबाउट गुडियन, और इज कंप्लेनिंग अबाउट पिंटल, और इज कंप्लेनिंग अबाउट स्टील ओर. ये टेक्निकली स्ट्रेट अवे मेंशन है आपके पैसेज में, ये वहां का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिकॉज स्पेसिफिकली एक ऐसी चीज है जिसको वो क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं भाई ये तो शिप में है ही नहीं. एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर हियर इज ए, डेक. ये पैसेज से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन जो है ये निकला है. क्वेश्चन नंबर 15, मार्को पोलो कंप्लेन्स अबाउट द एब्सेंस ऑफ आयरन नेल. मार्को पोलो कहते हैं कि भाई जो लोहे के कील हैं ये एब्सेंस हैं यहाँ पे, इसकी शिकायत करते हैं. इनमें से और से कौन 17th सेंचुरी ट्रैवलर हैं जो इसी के बारे में जिक्र करते हैं, जो सेम इसी एब्सेंस के बारे में कंप्लेन करते हैं. तो इनके अलावा और कौन से ट्रैवलर हैं, बर्नियर, और वी हैव थेनेबोल्ड, और वी हैव ट्रेविनियर, और वी हैव मनुकी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. Absolutely correct. Everybody, up now again see. Again, traveler's account is really very, very important.
क्योंकि एक ट्रैवलर्स अकाउंट पे पैसेज भी आ गया है, हमने ऑलरेडी ट्रैवलर्स अकाउंट पे एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। अगर आप 2021 भी पेपर देखोगे, 2020 भी देखोगे, तो सिंपल सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस ऑलवेज कमिंग। तो प्लीज थोड़ा, जैसे आप बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, जैसे मैं आपको कहती हूँ वैदिक एज हो गया, ये तो ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत डाइवर्स है। सेम वे जब ट्रैवलर्स की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आप इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करिएगा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स प्रिपरेशन कीजिएगा, बिकॉज सीइंग द ट्रेंड ऑफ द पैटर्न दिस इज वन थिंग विच इज ऑलवेज कमिंग। तो थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दीजिएगा एंड ट्राई टू लुक एट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑल्सो। तो ये भी एक ऐसी चीज है जिसपे थोड़ा हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेम्स मिल एंड हिज यूटिलिटेरियनिज्म इज नॉट करेक्ट। एज अ यूटिलिटेरियन, जेम्स मिल वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लर्निंग। In James Mill opinion, the Orientalists, instead of helping to eradicate the decay of Orientalist despotism, were guilty of perpetuating it. In written writing history of British India, James Mill periodized history on communal lines. Mill sought legal solutions to socio-economic problems of India. अब ये स्ट्रेट अवे आपका जो जेम्स मिल है और जो यूटिलिटेरियनिज्म है उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि भाई एज अ यूटिलिटेरियन जेम्स मिल ये कहते थे कि भाई संस्कृत और पर्शियन लर्निंग के बड़े सपोर्टर थे। जेम्स मिल के हिसाब से द ओरिएंटलिस्ट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग टू इराडिकेट द डीके ये एक्चुअली गिल्टी है उसको शुरू करने के लिए और बढ़ाने के लिए। जब उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कम्युनल लाइंस, सांप्रदायिक लाइंस के हिसाब से डिवाइड कर दिया और इन्होंने बोला कि भाई इंडिया में जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो सामाजिक इश्यूज है, ये सब इश्यूज को हम सीधा सीधा लीगल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें से एक ऐसी लाइन है विच इज नॉट करेक्ट जब हम जेम्स मिल और उनकी यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बात करते हैं। एंड फ्रैंकली दिस क्वेश्चन इज इजी, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस कोड वाइज आते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल ज्यादा होता है। यहाँ पे जैसे ही आपने जेम्स मिल पढ़ा है और यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी पढ़ी है तो आप स्ट्रेट अवे आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी लाइन है जो बेसिकली गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट अवे लाइन है, ज्यादा ट्विस्ट टर्न इसमें नहीं किया गया है। Absolutely correct. So all of you have absolutely said it. Correct answer here is A. Very good. Moving to question number next. इनमें से मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में कौन सी चीज है जो कि करेक्ट नहीं है, जो कि बेसिकली गलत है। द फाउंडेशन ऑफ द स्कूल सो फार एज द स्टडी ऑफ नेशनल मूवमेंट इज कंसर्न वॉज लेड बाय आर फाउंडर ए आर देसाई बट सेवरल अदर्स डेवलप्ड इट ओवर द ईयर्स। दे टेंड टू सी नेशनल मूवमेंट एज अ स्ट्रक्चर्ड बुर्जुआजी मूवमेंट। दे इंटरप्रेटेड क्लास स्ट्रक्चर, क्लास कैरेक्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल, इट्स रिट्रीट एंड कॉम्प्रोमाइजेस। They believe that access to financial resources did not determine the ability to influence the course and direction of national politics. तो इनमें से मार्क्स स्कूल ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में कौन सी एक ऐसी थॉट है जो कि करेक्ट नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। Which is showing you what? ये questions आपको क्या दिखा रहे हैं कि थोड़ा जब आप historiographical sections पढ़ते हैं तो आपको एक्चुअली पीछे की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एंड दिस इज अगेन द सेम थिंग जो आपको इंटरव्यूज में भी पूछते हैं, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जेम्स मिल की यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या है, एट द सेम टाइम जेम्स मिल की थ्योरी क्या है, किस बेसिस पे उन्होंने पीरियडाइजेशन किया था हिस्ट्री का, एट द सेम टाइम मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, उनकी मेजर आर्ग्यूमेंट क्या है, कैम्ब्रिज स्कूल क्या कहती है। दीज आर वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सारे लोग नेट निकाल चुके हैं, तो रादर देन आस्किंग वन और टू फैक्ट्स उसके बाद वो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस में ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन दे विल अंडरस्टैंड कि भाई किसको कितना सब्जेक्ट होल्ड है, क्योंकि चलो आपने नेट क्लियर कर लिया, आपको फैक्ट्स पता है, बट वॉट अबाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो वेन एवर यू आर डूइंग हिस्टोरियोग्राफी, थोड़ा एक स्टेप उसको एक्चुअली अच्छे से ही कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वन थिंग गोइंग टू हेल्प यू एवरीवेयर, क्योंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो जहां भी आप जाओगे आपसे हिस्टोरियोग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे, चाहे आप पीएचडी एंट्रेंस में जा रहे हो और यू गोइंग फॉर एन एमफिल, दिस इज वन थिंग कॉमन टू एवरीथिंग विच यू आर डूइंग। ठीक है, तो हमारे लाइफ से हिस्टोरियोग्राफी हट नहीं सकती है, तो प्लीज जब इसको पढ़े तो थोड़ा ठीक से पढ़े। Most of you are absolutely right. In fact, all of you are absolutely, absolutely right. Moving to next question. Bahut hi commonly asked question hai paper mein. Most of the time repeated question in the paper. Arrange the political organization in a chronological order. Madras Mahajan Sabha, Pune Sarvajanik Sabha, Indian Association, Bombay Presidency Association. तो कौन किसकी बात है? दूसरा आपको question यहाँ से आ जाता है. Again, जो मैंने आपको बोला है, या तो इनके founder का नाम आ जाएगा, या तो वो लोग जो इनके साथ associated है, इनका नाम आ जाएगा।
आजकल लेटली पेपर में थोड़े इनके गोल्स क्या हैं, क्यों ये फॉर्म हुए थे, इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट ये दो तीन हैं जो आपको याद रखने हैं। सो विच ईयर इज एब्सोल्युटली करेक्ट? ओके, मोस्ट ऑफ यू आर राइट। इसको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वन ऑफ द वेरी कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इजी भी है। सारे एसोसिएशंस के आप नाम जानते हैं, सबके आप फाउंडर्स भी जानते हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वी हैव टू नेल इट इन द एग्जामिनेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट आंसर हियर इज सी। तो बेसिकली हमारा जो पुणे सार्वजनिक सभा है 1870, देन वी हैव इंडियन एसोसिएशन 1876, देन वी हैव मद्रास महाजन वेरी इंपॉर्टेंट 1884, एंड देन वी हैव बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885। तो हमारा आंसर हो गया सी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, रिवोल्ट ऑफ 1857 में हिस्टोरियोग्राफिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। किसने बोला है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, इट इज द सोर्स स्प्रिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट? पीसी जोशी ने बोला है, पीई रॉबर्ट्स ने बोला है, पर्सिवल स्पियर ने बोला है, या सुमित सरकार ने बोला है? सो अगेन, वेन एवर यू आर डूइंग 1857, यहां से कभी कभी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, यहां से कभी कभी आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है जो ऑलरेडी आप प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं। अ थ्योरी क्वेश्चन जिसमें वो थोड़ा डेट्स पूछेंगे, अ थ्योरी क्वेश्चन जब ये रिवोल्ट शुरू हुआ था तो इसके पहले कैसा बैकग्राउंड था, कैसे चीजें शुरुआत हुई, किस किस एरियाज में पहले आप देखोगे बहुत ज्यादा, आप देखोगे इस टाइम पीरियड में जो जोश है वो हाई हो जाता है, कहाँ कहाँ से ये अलग अलग जगह को ट्रांसमिट करता है। तो ये एंटायर प्रोसेस बिफोर हम लोग प्रॉपर तरीके से रिवोल्ट शुरू करते हैं, ये बैकग्राउंड पे कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो कुछ ईयर्स हो गए, रादर देन जस्ट रीडिंग द लीडर्स कि किसने किस एरिया को लीड किया है, प्लस किस ब्रिटिशर्स ने उनको सप्रेस किया, ये दो तो कॉमन लिस्ट है, जब सब पढ़ते हो हिस्टोरियोग्राफी ऑलवेज कम्स। थोड़ा थ्योरी पार्ट भी देख लीजिएगा, स्टार्टिंग ऑफ द थ्योरी कि जब रिवोल्ट शुरू हो रहा है तो किस तरीके से, किसका किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस टाइम पीरियड में, कहां पे कब क्या हो रहा है, इस पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जिसमें मोस्टली लोग गलत कर देते हैं। हाउएवर हियर इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट पीसी जोशी। प्लीज हिस्टोरियोग्राफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसने क्या बोला है। अगेंस्ट हुम वाज द महाराज लिबल केस फाइल्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ वल्लभभाई सेक्ट इन 1862-63? तो किसके खिलाफ 1862-63 में वल्लभाईचार्य संप्रदाय के जो बेसिकली फॉलोअर्स हैं, इन्होंने किस पे केस फाइल किया? हम बात करें करसनदास मुंजी की, हम बात करें डॉक्टर भावद जी की, हम बात करें धीरज राम की, और हम बात कर रहे हैं नमदर्शक की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? तो नमदार शंकर, देन वी हैव धीरज राम, देन वी हैव भावदाजी, एंड देन वी हैव करसनदास मुलजी। विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी विद दिस क्वेश्चन। वैसे बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हियर इज ए। सो प्लीज प्लीज ये याद रखिएगा, एंड याद रखिएगा इन 1850s-60s ये जो मुलजी थे काफी इंपॉर्टेंट मेंबर थे बॉम्बे इंटेलिजेंसिया के। ओके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका केस का ईयर भी याद रखिएगा, कभी कभी आपको लेजिस्लेशन पे ईयर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, सो रिमेंबर द ईयर्स एज वेल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? जब हम प्रार्थना समाज की बात करते हैं और प्रार्थना समाज के आइडल्स की बात करते हैं, इन आदर्शों की बात करते हैं, इनमें से कौन सी एक है जो सही नहीं है? अगेन विच सिंपली मीन्स, जब आप सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, 2020 हो, 2021 हो, देर इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑल द टाइम। आर्य समाज पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था। सो अपार्ट फ्रॉम ईयर, अपार्ट फ्रॉम लोग जो एसोसिएटेड हैं, आपको यहाँ पे इनका पूरा का पूरा एजेंडा थ्योरी के फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी पे भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, दे बिलीव दैट गॉड इज वन एंड गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, बिना रूप के हैं। दे बिलीव इन लेवलिंग डाउन ऑफ द कास्ट एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन। दे बिलीव इन फॉर्मिंग अ डिफरेंट सेक्ट ऑफ हिंदी सोसाइटी। दे बिलीव इन एक्सेप्टिंग द वर्क ऑफ मिडिवल सेंट्स ऑन द बेसिस एज द बेसिस फॉर सोशल प्रोग्रेस। अगर मान लो आपने प्रार्थना समाज नहीं भी पढ़ा है, वैसे तो यू हैव टू स्टडी वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली एसोसिएशन, बट अगर आप इसके ऑप्शंस ध्यान से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन पता लग जाएगा जो आपको पता है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी रिलीजियस एसोसिएशन का इस टाइम पीरियड में ये एजेंडा हो नहीं सकता है। तो इवन इफ यू रीड इट प्रॉपरली, ये उतने कंफ्यूजिंग लाइन्स नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बिलीव्ड इन फॉर्मिंग अ डिफरेंट सेक्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो प्लीज याद रखिएगा योर पीपल एंड जस्ट इनकी मेजर मेजर थ्योरी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग ट्राइबल रिवोल्ट इज नॉट करेक्ट? अब देखो, अगर आप नोटिस करो तो इस पेपर में काफी ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, तो वो लोग जो पेपर वन में काफी टाइम लगा देंगे, जब आप इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आओगे तो हड़बड़ी में ऊपर ऊपर पढ़ के आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग यू कैन सी कि यहाँ के क्वेश्चन उतने ट्विस्टेड नहीं है,
जो सिंपल थियोरिटिकल क्वेश्चन है, दे आर टू द पॉइंट. सो द आर्म्ड रिबेलियन ऑफ वासुदेव बलवंत फड़के वॉज स्टर्ड बाय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कॉज बाय लॉर्ड लिटन पॉलिसी. द संथाल्स ऑफ राजमहल हिल्स रिपेल्ड इन 1855 बिकॉज दे डिसेंटेड टू द इल ट्रीटमेंट given by revenue officials, oppression by the police, landlords and money lenders. The Ahom nobility in Assam revolted in 1828 because the British authorities did not fulfill the pledges of withdrawal after Burma War, and the Vagheras of Okhla Mandal rose in revolt in 1818-1819 because of the excavations by the Gaikwad rulers of Baroda supported by British government. ये पूरा का पूरा लाइन जो आप देखोगे ये प्रॉपर हमारा बिपिन चंद्रा से स्ट्रेट अवे निकल के आया हुआ है. तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप प्रेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ते हैं, टेक्निकली ये रीजंस हैं. तो जो मैंने आपको हमेशा बोला है, सम इंपॉर्टेंट ईयर्स यू हैव टू रिमेंबर, रीजंस यस. आप स्ट्रेट अवे देख लो, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा हमारे रीजंस पे बेस्ड है, अलग अलग लोगों ने क्यों इस टाइम पीरियड में रिवोल्ट किया था. वेरी सिंपल. And name of the people, यहाँ पे मान लीजिए जो इनको लीड करने, and for some conclusion. किसी किसी में आप देखोगे conclusion लिखा है कि end में government जो है ये कोई deal sign कर लेती, कोई treaty sign हो जाती है, आधा आधा जगह जो है ये बट जाता है. सब में नहीं मिलेगा आपको conclusion, but in the end सब जिसमें जिसमें conclusion है, if there's a special act जो कि निकला है वो बहुत अच्छे से करिएगा. Here again the question is simple, not at all twisted. सिंपल सिंपल आपको यहाँ पे ये दो, तो आप हमेशा ही वर्ड टू वर्ड ये सेम क्वेश्चन है जो बुक में लिखा हुआ है. Absolutely correct. Correct answer here, which everybody has said, is A. बिल्कुल simple word to word question है. So please make sure that you are doing this very very importantly. Moving to question number 3. Okay, so 23rd question, everyone. Despite the Imperial and Provincial Legislative Council being entirely nominated bodies till 1892, they had statutory powers of discussing budget and putting questions. जैसे ही आपने ये sentence पढ़ा होगा, आपको already पता चल गया होगा कि इसका answer क्या है. Reason, the Ilbert Bill Storm was the most extreme but by no means isolated expression of white racism. So automatically assertion reasoning ke jo questions hai, ye basically aapko yahan pe samajh aa gaye honge. So which of the following here is absolutely correct? ये तो सिंपल है. अगर आप देखो तो असर्शन रीजनिंग भी अदर देन जो ट्रैवलर अकाउंट था, ये काफी सिंपल है. जैसे पढ़ के ही आपको पता लग जाएगा कि ओके दिस इज टोटली रॉन्ग. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है. मोस्ट ऑफ यू हैव सेड इट. एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर डी है, बिकॉज बजट के बारे में डिस्कशन करना, बजट के बारे में आप क्वेश्चन करना, दिस इज समथिंग विच वी नेवर गॉट. इवन इन द एंड यू विल सी, कभी 80% बजट जो है ये नॉन डिस्कसेबल था. इवन इन द एंड 40% बजट यू स्टिल के नॉट डिस्कस. प्लस अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो तो सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते हो. हमेशा ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी अटैच रहते थे, तो ये तो स्ट्रेट अवे गलत है. सेकंड स्टेटमेंट हाउएवर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Moving to question number 24, under which act the first examination for ICS was held in Allahabad? Morley Minto 1909, Indian Council Act 1892, Rowlatt Act 1919, Government of India Act 1919. अगर आप वैसे स्ट्रेट अवे इसकी ऑप्शंस पढ़ोगे तो दो हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आप वर्डिंग्स क्वेश्चन का ठीक से पढ़ेंगे, अंडर विच एक्ट वॉज द फर्स्ट एग्जामिनेशन हेल्ड इन अलाहाबाद, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि कौन सा यहाँ पे सही है. मॉर्ले मिंटो, इंडियन काउंसिल, रॉलेट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये तो सिंपल आप एलिमिनेशन कर सकते हो अगर इसमें फंस भी गए हो तो. जनरली रॉलेट एक्ट, एवरीबडी इज राइटिंग रॉलेट, एवरीबडी रॉलेट एक्ट 1919. रॉलेट एक्ट क्या था? ओके, मोस्ट ऑफ यूर एब्सोल्युटली राइट हियर. द करेक्ट आंसर हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर हियर इज डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. एंड अलाहाबाद में 1922 में एग्जामिनेशन हुआ था. तब तक इंडियन जो है वो सिर्फ 15% कॉन्स्टिट्यूट करते थे इन दिस एंटायर आईसीएस सर्विस. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन, इनमें से इंपीरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ हिस्ट्री राइटिंग की बात करते हैं तो कौन सी चीज है जो गलत है, सही नहीं है. अगेन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. मार्क्सिज्म पे भी क्वेश्चन आ चुका है, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपीरियलिज्म पे भी क्वेश्चन देख ही रहे हैं. लेट्स सी क्या लिखा है. द इंपीरियलिस्टिक अप्रोच फर्स्ट इमर्ज इन द ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द वायसराय एंड वाज कन्विंसिंगली पुट फॉरवर्ड बाय वी चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल, द लॉलेट कमिटी एंड बेसिकली वर्ने लोवा. ठीक है, इट वॉज फर्स्टली थ्योराइज बाई ब्रूस मैकले 1940 में
एंड इसका लिबरल वर्जन वॉज अडॉप्टेड बाय रेग्नाल्ड कूपलैंड एंड पर्सिवियल स्पियर. ठीक है, चलो मान लो ये भी नहीं आता है. अब इट्स कंजर्वेटिव वर्जन वॉज मेड ब्राइटर एंड प्रिटियर बाय जॉन गैलेगर एंड अनिल सील. जॉन गैलेगर एंड अनिल सील एवरीबडी किस से बिलोंग करते हैं, किस स्कूल से बिलोंग करते हैं ये? जॉन गैलेगर एंड अनिल सील जो है 1968 के बाद ये किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, किसके बारे में ये रेफरेंस है? The imperialist writers believe that India was a process of becoming a nation. Automatically, आपका काम यहाँ खत्म हो गया. आप पहले में confused थे, आप second में confused थे, आपने बोला ठीक है. And third, John Gallagher, Anil Seel, अभी तो किसी ने answer नहीं दिया. This is Cambridge School of Historiography, everybody. Cambridge School of Historiography क्या कहती थी कि जो national movement थी, it's not because कि Indians को Britishers से problem था. National movement क्यों हुआ? क्योंकि Indians की आपसी rivalry to get as much as benefits from the British, ये उनके वजह से हुआ है. Indians को तो Britishers से कभी problem ही नहीं था. So it is because of this local rivalry and the greed for power जो Britishers से चाहिए था. ये Cambridge School का argument है. John Gallagher, Anil Seel associated with Cambridge School. D, imperialist writers believed India was a process of nation in the making. Automatically answer पता लग गया आपको. चलो ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी चलो नहीं आया. ऑटोमेटिकली किसने बोला इंडिया वॉज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ नेशन? ये कौन बोलता है इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ नेशन? एब्सोल्युटली, ओके, यस, कैम्ब्रिज, बिल्कुल सही है. क्योंकि उन्होंने बोला भाई नेशनल मूवमेंट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से. इंडियंस तो भाई ब्रिटिशर्स से बहुत प्यार करते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद ब्रिटिश रूल. इंडियंस को तो कोई दिक्कत ही नहीं है. And who said that? चलो अगर हम लोग मान लें कि India is a nation in the making, imperialist वालों ने तो नहीं बोला. Obviously they can never say that. So who has said this? Who says it? India is the nation making. Yes, सुनिए, absolutely correct. Nationalist ना हमने बोला कि भाई India nation in the making है. Britishers used to say भाई तुम लोग क्या हो, तुम लोग microscopic minority हो. Congress is microscopic minority. India क्या है? Geographical extension है. हमने बोला नहीं, India nation in the making है. Absolutely correct. And remember one thing, this is totally totally wrong. तो अगर आपको पूरा नहीं भी आता है, आपको इंपीरियलिस्टिक के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, you will basically get the right answer here. So automatically you will get it. तो कभी भी examination में अगर बड़े बड़े theory आ रहे हैं तो उसमें ज्यादा tension लेने की जरूरत नहीं और एकदम से panic नहीं करना है. Just use your presence of mind, use your brains. थोड़ा examination में present रहना है. ये नहीं कि examination का paper दे रहे हैं but दिमाग में कुछ और ही चल रहा है. That point of time you have to be very smart, just very calm and composed. हर लाइन को किस तरीके से लाइन फ्रेम की गई है, व्हाट आर द वर्डिंग्स, ये सब पे ध्यान दीजिएगा. एंड यू विल सी जो क्वेश्चन में अगर फंस भी रहे हैं बट इफ यू रीड द ऑप्शंस क्लियरली बाय हैविंग दैट मिनिमम नॉलेज, टेक्निकली मिनिमम भी नहीं है, आफ्टर स्टडिंग सो मच यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट इट ऑल्सो. सो यहाँ के थ्योरेटिकल क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं थे. अगर आपने स्ट्रेट अवे ऑप्शन पढ़ा है तो इवन बाय यूजिंग योर ब्रेन्स एंड बाय रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो कल आधा पार्ट और करेंगे जो हमारा लास्ट स्ट्रेच बचा हुआ है ऑफ द ईयर 2018. एंड इसके बाद हमारे एप सेशंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो रहे हैं, प्लीज वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड वंस द डेट्स आर आउट उसके बाद हम आपके लिए बहुत धमाकेदार सेशंस लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी. सो प्लीज स्टे ट्यून टू द सेशंस एवरीवन. एट द सेम टाइम जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिएगा वरना हमारे सारे इंटरेस्टिंग सेशंस आप मिस कर देंगे. एंड जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है टू इंटरेक्ट विद ऑल आर हिस्ट्री पीपल टुगेदर एंड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, सो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस. ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. एंड अच्छा, नॉट ओनली देर आर अदर सेशंस एज वेल, वी हैव डन क्वेश्चन सेशंस आल्सो इन हिस्टोरियोग्राफी. Okay, so everyone, thank you so much for attending the session. Please take care. And everyone, you are the best. Okay, please remember that negativity se dur rehna hai and ekdam dhyan rakhna hai. Aur please apna dhyan rakhiyega. Bahut log is time period mein bimar ho ja rahe hain. ठीक है, so please don't fall ill. Itna pressure hi nahi lena hai. Jitna padha hai, bahut hai. Usko revision kariye. Constantly time table banaiye. Sleeping hours ke sath compromise nahi karna hai. Kyunki har din aap jitna pad rahe, you need to sleep properly. है ना, तो वो नहीं करना है कि सोए नहीं है, ऐसा नहीं करना है. डोंट हिंडर विथ योर स्लीपिंग टाइम्स. अच्छे से खाइए, हेल्दी खाइए, हाइड्रेटेड रहिए. काफी गर्मी भी पड़ रही है तो ये नहीं कि आप बीमार पड़ जाइए. स्टे हाइड्रेटेड एंड एकदम काम कंपोज रिलैक्स होकर पढ़ना है. जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है. एंड एक गोल्डन रूल जो मैंने आपको ये बोला है, गोल्डन रूल ये है कि जो भी खत्म कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से खत्म कर लीजिएगा. कि उस टॉपिक के रिविजन में 15-20 मिनट ही जाए. ये नहीं कि पढ़ रहे हैं बट फिर हमने एक घंटा रिविजन में दे दिया. नहीं, सिंस योर टाइम इज क्रूशियल, प्लीज मेक श्योर कि जो भी पढ़ रहे हैं वंस एंड फॉर ऑल उसको पढ़ के खत्म कर दो. कि रिविजन ही करना पड़ेगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा, विच विल टेक लेस टाइम, बट दैट डू दैट. ओके, क्योंकि ये नहीं कि क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है. सो प्लीज एक एक चीज को
राइट एवरीथिंग, मेक माइंड मैप्स. जब भी आप पढ़ रहे हैं कुछ एक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, मान लो आपने सारा एक्ट पढ़ लिया, अब आपको ये देखना है कि मुझे आता है नहीं, तो टेक अ शीट ऑफ पेपर, टेक अ पेंसिल, जस्ट मेक माइंड मैप्स, लिखो 1773 और देखो उस एक्ट में क्या क्या है. ठीक है, राइट 1919, जस्ट स्पीक अप कि भाई इस एक्ट में ये है. वर्ड वर्ड लिखना नहीं है, ऊपर ऊपर हल्का फुल्का की पॉइंटर्स लिखते रहो. एक टाइम पे सारा एक्ट हाफ एन आवर में रिवाइज कर लीजिए. सो डू दीज टेक्निक्स, द मोर यू स्पीक द मोर यू विल रिटेन इट. ओके, तो थोड़ा ये सब करिए, माइंड मैप्स बनाइए. जब जैसे ट्राइबल पेजेंट रिवोल्ट करना है तो जस्ट कर लो कि भाई साउथ में क्या क्या हुआ था. सो जस्ट रिकॉल बाय योर सेल्फ, से बाय योर सेल्फ सब्सिडियरी लाइंस, तो अपने से बोलो कि भाई ये ऐसा ऐसा था. द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, प्लस यू विल ऑलवेज रिटेन इट बेटर. ठीक है, क्योंकि पीडीएफ को देख के रिविजन करेंगे तो क्योंकि मटीरियल सामने है तो आपको लगेगा कि आते ही है. तो दैट इज नॉट द वे टू चेक. Keep everything aside, just keep a sheet of paper, a pen, pencil, and just recall, just write it, scribble करिए, and बस हो गया revision. ठीक है? Energy, that is really so sweet. Thank you so much. Okay, and we just want that all your dreams come true. And firstly, जो JRF जिन लोगों को फंसा हुआ, you all clear JRF. So all our good wishes to you all. That's really really sweet. Thank you so much. So everyone, मिलेंगे अब next session में. कल आखिरी questions को भी निपटाते हैं और फिर उसके बाद जून के सेशंस को शुरू करते हैं. एक बार डेट आ जाए तो बहुत सारे धमाकेदार सेशंस बैक टू बैक, लॉट ऑफ मैराथन क्वेश्चंस ऑन योर वे. तब तक फटाफट से पढ़ लीजिए, सो दैट जब मैराथन वगैरह हो तो यू ज्वाइन इन लार्ज नंबर्स एंड जस्ट काम कंपोज होकर सॉल्व क्वेश्चंस, डू अवे विद देम एंड स्टडी. सो प्लीज टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज प्लीज रिमेंबर, यू आर द बेस्ट. ओके, व्हाट पीपल से डजंट मैटर एट ऑल, यू शुड बैक योर एबिलिटीज एंड क्रेडेंशियल्स, उतना काफी है. और छोटे छोटे टारगेट्स पूरे हो जाएं तो अपने को अप्रिशिएट भी करिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पूरी प्रीहिस्ट्री लर्न हो गई, अरे अच्छी बात है. सो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि फाइनली चलो कर लिया मैंने. तो छोटे छोटे अचीवमेंट्स को खुद को आप अप्रिशिएट भी करिए, दिस वे प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज एंड लोड ज्यादा लगेगा भी नहीं. ठीक है, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एवरीवन, एंड बाय बाय.